हेलो, कैसे सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए एवीएस की पाठशाला की पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है, जिसमें मैं विनयकांत आपका केमिस्ट्री का टीचर एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आज का जो चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है, लघु उत्तरी आ सकता है, अति लघु उत्तरी आ सकता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आ सकता है। और ये इस प्रैक्टिस सीरीज का 14 नंबर का प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर, पूरे 6 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं, ठीक है? तो चलिए, आज के जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे एवीएस की पाठशाला सर्च करिए और उसके होम पेज पे जाकर के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज का जो पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। देखिए, यहाँ पर जो एमाइड से एमीन बनाना है उसके लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक है, मैंने आपसे क्या कहा था अभी संडे को जब मैंने लाइव सेशन लिया था, तो उसमें बताया था कि आपको जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर जो रिएक्शन दी गई है, उनको आपको नोट बना के अलग से लिख लेना है। तो उसी से कन्वर्जन पूछा गया है, और ये 2019, 2020 और 2023 में पूछा गया है। मैं ऐसे ही नहीं कोई बात कहता हूँ, पूरे प्रूफ के साथ बात कहता हूँ, ठीक है? तो एमाइड से एमीन बनाना है। एमाइड का मतलब होता है RCONH2, और इससे क्या बनाना है, RNH2 बनाना है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि एमाइड से एमीन बनाने के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं उसका नाम है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एमाइड से एमीन का निर्माण किया जाता है। कैसे करेंगे हाफ मैन ब्रोमाइड से इसका निर्माण, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर हम CH3CONH2 ले रहे हैं, CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन और प्लस साथ में 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है एमीन, यानी ये बनाएगा CH3NH2। क्या बनाएगा, CH3NH2 बनाएगा, प्लस साथ में निकलेगा K2CO3 निकलेगा, प्लस साथ में क्या निकलेगा, 2KBr, क्या निकलेगा, +2KBr निकलेगा, और साथ में यहां से H2O मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे, यानी 2H2O मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे। तो इसको ऐसे यहां नोट कर लेते हैं, 2H2O। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जिस अभिकर्मक का प्रयोग कर रहे हैं वो अभिकर्मक क्या है, यहां पे मैंने आपको लिख के बताया कि जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो है Br2 और साथ में क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है Br2KOH, पहले ही हमको मिल गया है ना, Br2KOH, यानी कि ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मेथिल एमाइड यानी कि मेथनामाइड की क्रिया कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, यानी एमाइड से एमीन इस तरह से बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन किससे, एनिलीन से ब्रोमीनम से प्राप्त होता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, एनिलीन से, एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। तो एनिलीन में देख लेता हूं, यहां पर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 समूह लगा हुआ है, कौन सा समूह, NH2 समूह, और इसकी रिएक्शन 3Br2 के साथ जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं जरा। बेंजीन के ऊपर यहां लगा देंगे NH2 और NH2 लगा देंगे, और यहां पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा,
एक ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर और एक ब्रोमीन फिर से है आर्थो पोजीशन पर, और यहाँ से निकलेगा 3 मोल ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग कर लेंगे, अगर इसको हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू, ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होगा। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, मोनो ब्रोमो एनिलीन, बेंजीन नाइट्राइल, 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, बेंजीन आइसो नाइट्राइल। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर हमको मिला है वो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्या मिला है, एनिलीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है एमीन के साथ, एमीन से आइसोसाइनाइड बनता है, उसको बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देख लेते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, CHCl3 क्लोरोफार्म, और साथ में लेंगे क्या, 3 मोल ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा RNC बनाएगा, क्या बनाएगा, RNC, और इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसो साइनाइड इसका नाम है, ये बनाता है। प्लस साथ में क्या निकल जाता है, 3 मोल ऑफ HCl, KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2O इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, एल्किल आइसो साइनाइड मिल रहा है, तो यहाँ पे साइनाइड नहीं होगा, साइनाइड भी नहीं होगा, आइसोसाइनाइड भी नहीं होगा, और आइसोसाइनाइड यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एनसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यहाँ पर एल्किल लगा होता है एल्किल आइसोसाइनाइड, अगर यहाँ पर मिथिल लगा देते तो मिथिल आइसोसाइनाइड हो जाता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन है। तो यहाँ पर क्षारकता की बात की गई है, क्षारीयता के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एमीन का फार्मूला होता है RnH2, ये प्राथमिक एमीन है, और ये 1 डिग्री जो एमीन होता है इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन एटम इन एमीन्स दैट क्रिएट्स बेसिसिटी, यानी कि ये क्षारीयता का कारण है। कैसे कारण है, आपने पढ़ा होगा आरहेनियस कॉन्सेप्ट, ऐसे यौगिक जिनको जल में घुलने पर एच प्लस आयन देते हैं, वहीं पर जो ब्रॉन्स्टेड थे उन्होंने क्या बताया था कि ऐसे यौगिक जो एच प्लस आयन को ग्रहण करते हैं, अम्लों द्वारा स्रावित किए गए जो एच प्लस आयन होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, वहां ये एच प्लस को रहने के लिए जगह देता है, जिसकी वजह से क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। अब इसमें पूछा गया है, एक ऑप्शन है C2H5NH2, क्या है ऑप्शन, C2H5NH2, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस NH, और तीसरा है CH3NH2, और चौथा ऑप्शन है C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो देखिए यहाँ पर जो 2 डिग्री एमीन्स होते हैं, 3 डिग्री की अपेक्षा भी हम बात करें तो जो 2 डिग्री एमीन्स होते हैं द्रव अवस्था में वे ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री एमीन कितने हैं, तो 2 डिग्री एमीन एक तो ये है, ये 2 डिग्री एमीन है, बहुत ही हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ये है ना, इसमें लाइट में इसको हल्के मत लीजिए। दूसरा है 2 डिग्री एमीन, ये भी है, तो 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो द्रव अवस्था में सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं, जबकि अगर हम गैसीय अवस्था में बात करें तो गैसीय अवस्था में 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पर दो दो डिग्री एमीन है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय होगा, पहली बात तो ये 1 डिग्री वाले नहीं होंगे, ठीक है, 2 डिग्री के सामने, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारीय होगा। तो
टू डिग्री में जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे वो ज्यादा क्षारीय होगा। इसका भी रीजन आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं यार, और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर क्वालिटी समझ में आएगी, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा क्षारकीय एमीन है, या सबसे ज्यादा क्षारीय एमीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछा गया है। पिछले वाले में क्या था कि एमाइड से एमीन के लिए अभिकर्मक क्या प्रयोग करते हैं जब परिवर्तित करते हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस अभिक्रिया द्वारा क्रिया कराई जाती है। तो यही क्वेश्चन घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है ना। या पूछ सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो एमाइड से एमीन बनता है यानी कि RCONH2 से क्या बनता है, RNH2 जो बनता है वो बनता है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। ये आप लोग याद रखेंगे, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये रिएक्शन इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बिना कहे आप लोग जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वे एवीएस की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट हम लोग देने वाले हैं अलग अलग चैप्टर की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, है ना। तैयारी बेहतरीन होगी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और वही क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं, कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए, या कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पर एक अमोनिया है NH3, दूसरा है CH3 का होल थ्राइस N, और तीसरा है CH3NH2, और चौथा है CH3 का होल ट्वाइस NH। देखिए यहाँ पर जो है आपको चार यौगिक दिए गए हैं और इसका बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो सबसे कम क्षारकता जिस यौगिक की है उसको पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ, उसके बाद कारण बताता हूँ। आप लोग पहले कारण भी बता सकते हैं और उसको बाद में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ठीक है। मैं यहाँ पर पहले ये अरेंज कर रहा हूँ बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे जो कम क्षारीय होगा वो होता है अमोनिया, उससे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो होता है CH3NH2, ये क्षारीय होता है, और उससे ज्यादा जो क्षारीय होता है CH3 का होल ट्वाइस NH, और सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है CH3 का होल थ्राइस N। अच्छा ये कब क्षारीय होगा, सबसे ज्यादा कब क्षारीय होगा, जब ये द्रव अवस्था, जब ये गैस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में। जब ये सब गैसीय अवस्था में होंगे तब ये इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। लेकिन अगर हम वही बात कर लें कि सबसे कम क्षारीय होगा अमोनिया, उससे कम होगा CH3NH2 यानी कि मेथिलेमीन, उसके बाद होगा CH3 का होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा क्षारीय होगा CH3 का होल ट्वाइस NH। ये कब होगा, ये होगा द्रव अवस्था में। इस बात को मेरे बच्चों याद रखना कि द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में दोनों में क्षारिता अलग अलग होती है। आपसे क्वेश्चन में चुपके से मान लीजिए गैस अवस्था दे दिया, आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे तो ये तो आता है और इसका कारण भी मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर चुपके से अगर उसने द्रव अवस्था या गैस अवस्था दे दिया तब आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के लिए अलग अलग कांसेप्ट बताया है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि द्रव अवस्था में जो CH3 का होल थ्राइस N होता है, ये जो 2 डिग्री एमीन है CH3 का होल ट्वाइस NH है, इससे कम क्षारीय क्यों होता है ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग 100% याद रखेंगे, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था को। चलिए कारण बताता हूं मैं आपको, कारण क्या है, कारण सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्षारीता का कारण क्या है। क्षारीता का कारण ये है कि जो एमीन होते हैं वो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, है ना, सभी के पास क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु होता है एल्किल समूह से जुड़ा हुआ। 1 डिग्री में क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, और 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, है ना। और तीनों जितने भी एमीन्स हैं इन सब के पास क्या है, इन सब के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और लोन कैरियर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एच प्लस आयन को शरण देते हैं। एच प्लस आयन कहाँ से आते हैं? अम्ल से। अम्ल से जो एच प्लस आयन आते हैं उनको शरण देते हैं। जब ये इनको शरण देते हैं, बच्चा ध्यान समझना, जब ये शरण देते हैं तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं। जब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म है, ये हाइड्रोजन एच प्लस आयन को शरण देता है, तभी ये क्या करता है कि क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया था। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पढ़ाया गया है। अब हम ये बात कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये नोट कर लेते हैं कि जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में 3 डिग्री कम क्षारी होता है 2 डिग्री एमीन की अपेक्षा, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा जगह कम होने की वजह से आप लोग केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3 डिग्री जो एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, 3 डिग्री एमीन का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3N CH3, और यहां से मैं दूसरे कलर से लगा देता हूँ CH3 को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप आ गए इस नाइट्रोजन के पास, एक मिथिल ग्रुप ये, एक मिथिल ग्रुप ये, एक मिथिल ग्रुप ये, तो यहाँ पर एक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, उसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जब ज्यादा बल्कि ग्रुप लग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहे हैं, नाइट्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, और नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ा रहे हैं, ये एच प्लस आयन को आकर्षित कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा बल्किनेस आ जाएगा, जितना बल्किनेस आ जाता है उतने कम आसानी से एच प्लस आयन जुड़ पाता है। तो मैंने आपको एक कारण ये बताया, बच्चों ध्यान समझना, मैंने एक कारण ये बताया कि जो एमीन्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन परमाणु के उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एच प्लस आयन को शरण देता है, जो कि क्षारीयता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? क्षारीयता को बढ़ाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया था। अब बात ये आती है कि NH3 सबसे कम क्षारीय क्यों है? अब देखिए, NH3 के पास कोई भी एल्किल समूह नहीं है, और जो एल्किल समूह होते हैं, ध्यान समझना, जो एल्किल समूह होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस आई प्रभाव शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? जब ये यहाँ पर ये एमीन मिथिल ग्रुप दे रहा है, मिथिल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो प्लस आई इफेक्ट वो होता है जब कोई समूह किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, तो वहां पर प्लस आई इफेक्ट होता है। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट तीनों में हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, हर जगह प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना, लेकिन ज्यादा कहाँ हो रहा है? ज्यादा, जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतने ज्यादा आई मीन वो क्षारी होंगे, लेकिन ये गैस अवस्था में है। और द्रव अवस्था में मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री वाला ज्यादा क्षारी होता है, 3 डिग्री वाला कम क्षारी होता है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक फैक्टर तो काम कर रहा है कि ये मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इससे आसानी से एच प्लस आ जाएगा, वहां आना चाहिए आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर एक कारण और है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर आप लोग ये कारण लिखेंगे, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। ये देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया उसी से रिलेटेड। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अमोन, देखिए ये है मेथिल एमीन NH2, और यहाँ बना रहा हूँ मैं NH3। अब ये अगर क्षारीयता देखें, क्षारीयता, तो क्षारीयता के क्रम में देखेंगे तो कौन ज्यादा क्षारीय है? मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप क्षारीय क्यों है? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, तो ये मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन दाता है। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ये प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित कर रहा है, प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। ये प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर नो प्लस आई इफेक्ट, नो प्लस आई इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ नहीं होता, इसलिए अमोनिया कम क्षारी होता है किसके अपेक्षा? मेथिल एमीन के अपेक्षा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलिन नहीं, इसका कारण बताना है। तो एथिल एमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। एथिल एमीन होता है C2H5N H, और H मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना। अब देखिए कोई कंपाउंड जल में विलेय कब होता है, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये क्या है, ये है एच बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जल में विलय होता है। क्या होता है, जल में विलय। दूसरी बात, यहां पर एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि जो एथिल एमीन है ये द्रव है, एथिल एमीन क्या है, द्रव है, जबकि एनिलीन क्या है, गैस है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनिलीन गैस है और एथिल एमीन क्या है, द्रव है। द्रव का कारण क्या है, क्योंकि इनके खुद के अणुओं के मध्य, खुद के अणुओं के मध्य क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। खुद के अणुओं के मध्य का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं साइड में लिखता हूँ और अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ये क्या होगा, जल में विलय होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से ले रहा हूँ, एक ये है C2H5N H, और यहाँ बना दिया H। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, ये H और ये H, और यहाँ हो गया C2H5। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H बॉन्ड बन रहा है, ध्यान समझना, H बॉन्ड बन रहा है। और H बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, ये जलीय अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में रहता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं कर पाता है। यही कारण है, कारण तो एक ही है। अब अच्छा हम एनिलीन का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, NH2 समूह लगा हो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा है NH2 समूह, और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनिलीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनुनाद में भाग लेते हैं, अनुनाद स्थायीकरण में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है एक संरचना बनती है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ आ गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एन के ऊपर प्लस आ जाता है, यहाँ पे लग जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से होगा। देखना जरा ध्यान से, समझना मेरी बातों को। ये आपको वीडियो लंबा मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, नहीं तो आप रोने के सिवा आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ होगा माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा, ध्यान समझना, तो जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर दो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो आगे क्या बनेगा, इसको आप लोग एक लाइन से बनाइएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन गया और ये यहाँ बन गया इस तरीके से, और ये फिर से खाली हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एनिलीन में जो उपस्थित हैं, वो अनुनाद में भाग ले लेते हैं। जब अनुनाद में भाग ले लेंगे तो खाली नहीं रहेंगे, तो एच प्लस को कहाँ से शरण देंगे, है ना। तो ये अनुनाद में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से ये जल में विलय नहीं होते हैं, ये कारण आपको समझना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया, जैसे C2H5NH2, ये बताना है कि ये क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो H प्लस आयन को शरण देते हैं, जिसकी वजह से ये क्षारीयता को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको रिएक्शन करा के दिखा दें, आपने पढ़ा होगा कि जो आरहेनियस कॉन्सेप्ट है, जो OH माइनस आयन देते हैं जलीय विलयन में, वो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2O के साथ, देखना समझना ध्यान से, ये H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो H2O कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, मेरी बात याद। चलिए अब ये जो H प्लस है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देखिए ये आ गया आपका C2H5NH3 हो जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहां से क्या निकल जाता है, प्लस OH माइनस, यहां भी इसको मत दिखाना,
है ना, ये आप यहाँ मत दिखाना, तो ये इसलिए रेजिस्टेंस करता है और ओ एच माइनस देता है, इसीलिए बच्चा ये क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, इसका मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि मेथिल में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि जो मेथिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह कार्य करता है, जो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और एच प्लस आयन आसानी से वहां आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसका क्षारीयता का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक है ए, इसके अपचयन से एक अणुसूत्र वाला यौगिक बनता है जो कि एमीन है। क्या है? एमीन है, जिसको क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त एक यौगिक बनता है जो कि बी बनता है। तो ए और बी का संरचना सूत्र आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से आपको समझना है, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करना है। तो एक कार्बनिक यौगिक में लिख लेता हूं, यहाँ पर ये है कार्बनिक, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, ये है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है ए। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो स्पीड को स्लो करके सुन सकिए, अगर मैं आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो फास्ट करके देख सकते हैं। अब इसका आप चयन कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका आप चयन कराएंगे, ये लीजिए भैया आप चयन करा रहे हैं, आपको चयन, ये आप चयन इसका कराओ, इसका आप चयन कराएंगे तो C2H7N बनता है। अब इसी की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CHCl3 के साथ और KOH के साथ, कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं, तो एक तीव्र दुर्गंध वाला गैस यौगिक बनता है, तीव्र दुर्गंध वाला। तो ये कंपाउंड आपका ए है और जो बी बन रहा है इसको हम बोलेंगे बी। तो ये जो ए और बी है इसका आपको संरचना बनाना है और इसका नाम लिखना है। तो ए हम रिएक्शन करा लेते हैं, देखिए जब किसी भी एमाइड का आप चयन कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, वो एमीन में, है ना, आपको ये अच्छे समझ में आता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, व्हाइट कलर से लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया CH3CONH2 और इसका अगर हम सोडियम और C2H5OH यानी कि सोडियम को एल्कोहल में डालेंगे और इसका आप चयन कराएंगे तो ये भी एक अपचायक है। ये क्या है? अपचायक है, ये अपचायक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये बनाता है C2H5NH2 बनाता है, C2H5NH2 बनाता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, प्लस निकलता है H2O, क्या निकलता है, H2O निकलता है ना। तो ये C2H5NH2 बनाता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, H2O निकलता है। अब इसकी क्रिया करानी है CHCl3 के साथ, मैं यहाँ पे येलो कलर लिखता हूँ, CHCl3 के साथ और KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये बनाता है C2H5NC बनाता है, क्या बनाता है, C2H5NC बनाता है, प्लस 3 मोल ऑफ KCl निकलते हैं, क्या निकलता है बेटा, 3 मोल ऑफ KCl निकलते हैं, साथ में क्या निकलता है, 3 मोल ऑफ H2O भी निकलते हैं। अच्छा ये यहां से यहां तक की क्रिया क्या है, ये जो रिएक्शन मैं करा रहा हूं ये यहां से यहां तक की क्रिया क्या है, यहां से यहां तक की क्रिया, ये क्रिया है कार्बिल एमीन क्रिया। कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। अच्छा ये जो CH3CONH2 है इसका नाम क्या है? मेथेनामाइड है, मेथेनामाइड है, जो कि कंपाउंड ए का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे जो कंपाउंड है बी। ठीक है, तो ए और बी, ये मेथेनामाइड है जो कि CH3CONH2 है और जो C2H5NC है इसका नाम मैं लिखे दे रहा हूँ, इसका नाम मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड। मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है मेरे और सर दर्द कर रहा है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने आपको, अपने बारे में सोचिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिमिट अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो
हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहला आप सीमित अभिक्रिया, सीमित अभिक्रिया, सीमित अभिक्रिया क्या है? SCHIMIDT, सीमित रिएक्शन। सीमित रिएक्शन क्या होती है? सीमित रिएक्शन में क्या होता है, जब एक एसिड की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोजोइक अम्ल देख लेते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल CH3COOH प्लस N3H, जब किया ये क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CH3NH2 प्लस, यहां से क्या निकलता है, N2 निकलता है, और प्लस साथ में क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे निकलता है CO2। क्या निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस दोनों उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीमित अभिक्रिया क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बना रहा है। तो ये कन्वर्जन में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन। इसलिए मैंने कहा कि जितने नेम रिएक्शन है सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आप नोट्स बना लीजिए अलग, ठीक है। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि जो मेथिल एमीन बना है ना, ये किस तरह से इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि मेथिल एमीन या एनिलीन का एल्कोहली केओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली क्रियाओं को लिखना है। तो जो मेथिल एमीन और क्रिया बनी है, मेथिल एमीन जो बना है, इसी का केओएच के साथ एल्कोहली केओएच के साथ रिएक्शन कराना है, और एनिलीन का भी एल्कोहली केओएच के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो मेथिल एमीन है, पहली रिएक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको व्हाइट कलर से लिख लेता हूँ। पहली जो रिएक्शन है मेथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्कोहली केओएच के साथ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं केओएच, वो भी कैसा है, एल्कोहली है ये, और साथ में क्या लेते हैं, CHCl3। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ये, यही पूछा गया है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3NC बनाएगा, प्लस क्या निकलेंगे, यहां से निकलेगा 3 मोल ऑफ KCl, 3 मोल ऑफ क्या निकलेगा बेटा, KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2 निकलेंगे। यहां पर इसको 3 मोल कर लेंगे है ना, 3 मोल के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक केओएच के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में मेथिल एमीन की क्रिया, जब एल्कोहलिक केओएच के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल आइसो साइनाइड बनता है, मेथिल आइसो साइनाइड, मेथिल आइसो साइनाइड प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमित अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का समीकरण दीजिए। अच्छा जब तुमने ये दे दिया, अब मेथिल एमीन जो बना है उसका और एनिलीन का एल्कोहली केओएच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ इसको गर्म करना है, और इसके अभिकर्म जो है क्रिया जो होती है उसको आपको लिखना है। तो हम देख लेते हैं एनिलीन के साथ अभिक्रिया है ना, तो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, NH2 लगा हो। तो यहाँ मैंने लगा दिया NH2, 3 मोल आप KOH यहाँ भी देंगे, और कैसा होगा वो एल्कोहली होगा, प्लस CHCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। कौन सी अभिक्रिया है ये, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कितनी देर से कर रहे हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिन एमीन अभिक्रिया। क्या बनाएगा ये बनाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, NC बनाता है, प्लस साथ में क्या निकलता है, 3 मोल ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2 बाहर जाते हैं। तो इसका नाम क्या है, बेंजीन आइसोसाइनाइड कह लो या फेनिल आइसोसाइनाइड कह लो है ना, फेनिल आइसो साइनाइड। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, क्या होता है जब एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। ये मैं आपको करा चुका हूं, एक बार आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए। ये है आपका एनिलीन, और यहाँ पर 3 Br2 के साथ अभिक्रिया करा दो इसकी है ना, ब्रोमीनीकरण करा दो, तो क्या बनेगा, 2, 4, 6, ये है NH2, ये Br, ये Br, और यहाँ पर Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 है ना, ट्राई ब्रोमो
एनिलीन, आपको एक साथ लिखना है। अगला क्या है, एथिलमेन की NaNO2 तथा HCl के साथ अभिक्रिया। ये हो गया आपका ए, और यहां मैं करा रहा हूं बी, और बी को लिखूंगा व्हाइट कलर से। तो C2H5NH2 की अभिक्रिया जो कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ। तो देखिए ध्यान समझना आपको कि NaNO2 जो है इसकी अभिक्रिया अगर HCl से कराते हो तो यह बनाता है HNO2। क्या बनाता है? HNO2। और HNO2 क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने क्या कहा था? नाइट्रस ऑक्साइड को मैंने कहा था ओ हनो से रिएक्शन करना। कैसे? ओ नो। तो ओ हनो कैसे होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, ओ एच इधर लगेगा, एन इधर लगेगा, है ना, ये एन इधर लगेगा, ये कहाँ से रेज हो गया, और यहाँ पे क्या लगेगा? ओ। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, समझना, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। तो क्या बना? एल्कोहल बना। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। एसिटामाइड क्या होता है? CH3CONH2 एसिटामाइड है। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 के साथ, HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड मैंने कहा था, सॉरी उसके लिए नाइट्रस अम्ल होगा, HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए मैंने कहा था जो HNO2 होता है वो कैसे अभिक्रिया करता है? ओहनो। कैसे? ओहनो, ओहनो, ओहनो कराओगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, यहां पर व्हाइट ले लो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, ओ एच इधर, एन यहाँ और ओ इधर, यानी ये बनाएगा CH3COOH प्लस N2 प्लस H2O। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाला, एथिल एमीन की क्रिया गिरगना अपकर्मक के साथ करो। जबरदस्त है ये, ठीक है। एथिल एमीन की क्रिया कराते हैं, चलो C2H5NH2। NH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, NH और H प्लस रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, RNgX। समझना क्या हो रहा है इसके साथ? ये RH को लेके भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा मुझे नहीं पता, भाग जाएगा, लेकिन ये बनाएगा RH प्लस, यहाँ पर जो Mg है, Mg के साथ क्या जुड़ा है? Mg के साथ जुड़ा है NH2CH5, साथ में यहाँ क्या निकल रहा है? एच, एक्स जुड़ रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ये बना रहा है एल्केन। क्या बना रहा है? एल्केन। इसका एग्जाम्पल दो तीन करना आपको। यहाँ पे जो है आर की जगह पे CH3 लगा लो, आर की जगह पे CH5 लगा लो, दो तीन एग्जाम्पल कर लो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सी नंबर, ये हो गया आपका डी नंबर। अब मैं कराने जा रहा हूँ ई वाली क्रिया, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ। सब नाइट्रस अम्ल के साथ करा रहे हैं, जबरदस्त रिएक्शन। एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन के पास में लगा होता है NH2 समूह, ये N, ये H, NH2, HNO2। ये क्या करता है? मैंने आपको बताया ओहनो, क्या बताया? ओहनो। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गए, ये वाला फिर ये वाला, इधर ओ एच, इधर N, इधर O। तो ये क्या बनाता है? फिनॉल। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से? फिनॉल प्लस N2 प्लस H2O। वेरी सिंपल रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे, आगे भी देखेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एथेनेमिन से निम्नलिखित को होने वाली क्रिया का संतुलित समीकरण देना है। एथेनामिन, NNO2 और HCl, फिर वही रिएक्शन आ गई। तो पहला रिएक्शन क्या है? C2H5NH2 की अभिक्रिया करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये बनाएगा, ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे HNO2। क्या बनाएंगे? HNO2 प्लस क्या निकलेगा? H2 निकल जाएगा साथ में, नहीं यहाँ पे NaCl निकलेगा, NaCl निकलेगा, ठीक है। तो HNO2 कैसे रिएक्शन करता है? ओहनो, ओहनो करा दो। ओहनो कराओगे तो यहां से
ओ एच एन ओ सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एन टू प्लस एच टू ओ। ओके दूसरा रिएक्शन देखते हैं हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। हिंसबर्ग अपकर्मक क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है यह बेंजीन, और इसकी रिएक्शन करा दो। अच्छा एथिलीन से कराना है ना, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये होता है सीएल। इसकी रिएक्शन कराना है एथिलीन से, यानी कि यहां पर लगा दिया मैंने सी टू एच फाइव एन एच टू बना दिया। अब ये क्या होगा, यहां से समझना ध्यान से मेरी बात को। तो मैं एक काम करता हूँ, एच को इधर लिखता हूँ ताकि और अच्छा समझ आ जाए। एच एच एन सी टू एच फाइव, ये सी टू एच फाइव एन एच टू है, तो यहां से क्या निकलेगा एच सी एल निकलेगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये एन के साथ में जुड़ा है एच और इधर जुड़ा है सी टू एच फाइव। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल एमीन फेनिल सल्फोनामाइड, एन एथिल, यहां लिख सकते हो एन एथिल सल्फोनामाइड, फेनिल सल्फोनामाइड बेंजीन सल्फोनामाइड है ना, फेनिल सल्फोना माइड ये बना रहा है। ठीक है, आई होप। इसको बोलते हैं हिंस बर्ग अपकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा? हिंस बर्ग अपकर्मक, हिंस बर्ग अभी कर्मक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, या एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन को एक उदाहरण देते हुए समझाइए, या क्वेश्चन पूछा सकता है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन होते हैं इनकी पहचान करने के लिए हिंसबर्ग अपकर्मक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हिंसबर्ग। तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान करने की जो विधि है वो हिंसबर्ग अपकर्मक द्वारा करते हैं। हिंसबर्ग अपकर्मक को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हिंसबर्ग अपकर्मक जैसे क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन के साथ साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया देता है, और ये तीनों प्रकार के एमीनों के विभेदीकरण के लिए, किसके लिए, विभेदीकरण के लिए पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्राइमरी एमीन क्या होता है। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक एमीन, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसे रिएक्शन करता है ये देखिए, आपके सामने रिएक्शन है, यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनिल क्लोराइड। कॉन्सेप्ट चमकिए, कॉन्सेप्ट को चमकाइए आप लोग। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे CH3 ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये CH3 मैंने ले लिया है ना, ये हो गया मेथिल एमीन। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है। क्या है ये? 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये मिथिल है ना, ये क्या है? मिथिल है। तो एन मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, हिंदी वाले लिख लेंगे सल्फोनामाइड, हिंदी में लिख सकते हो एन मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा जब प्राथमिक एमीन जो होता है, प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल से क्रिया करके क्या बनाता है, एन एल्किल। यहाँ पर आप एल्किल लिख सकते हैं है ना, अगर आर लगाएंगे तो, क्योंकि सबके हो लिए होता है, यहाँ पर कोई भी आप एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, CH3 लगा दो, CH5 लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसलिए यहाँ पर मैंने एल्किल लिखा हुआ है। तो एल्किल सल्फोनामाइड प्राप्त होता है ना। उत्पाद में नाइट्रोजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है ये अम्लीय होता है। किसके साथ? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये होता है, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, और ये क्षार में घुल जाता है। यानी कि प्राइमरी एमीन के बाद जब प्राइमरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो एक यौगिक बनाता है जो कि जल में घुल जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेकेंडरी एमीन, जिसको हम लोग 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। 2 डिग्री एमीन कैसे पहचान करेंगे? जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये क्या है? एन एन डाइमिथिल एमीन है। ये क्या है? एन कामा एन डाई मिथिल एमीन है, एन एन डाई मिथिल एमीन की क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है एन एन डाई मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है।
जो कि क्या होता है, क्षार में अघुलनशील होता है, यानी पहला जो 1 डिग्री प्राथमिक एवं व्यंजन सल्फोनिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्षार में विलय होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा। 2 डिग्री क्षार करता है तो वो क्षार में घुलनशील नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, जो टर्सरी एमीन होती है यानी कि जो 3 डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन की क्रिया देखते हैं, 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो ये 1, 2, 3 डिग्री पहचान करने की एक विधि हो गई, जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंस बर्क अपकर्मक द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर जैसे अमोनिया है, मान लेते हैं अमोनिया है NH3, NH3, अगर अमोनिया मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह रिप्लेस कर देता है तो 1 डिग्री एमीन बनता है, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह रिप्लेस करता है तो 2 डिग्री एमीन बनता है, और अगर अमोनिया मॉलिक्यूल के तीनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वो 3 डिग्री प्रकार के एमीन्स का निर्माण करते हैं, और ये 3 डिग्री है। इस तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की परिभाषा भी दे सकते हैं और उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आर की जगह पे आप CH3 लगा सकते हैं या CH5 भी लगा सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, वीडियो को आपने पूरा देखा होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, आगे ही हम लोग इस तरह की वीडियो जो आपको देते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो बस आपको केवल समझना है कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्वेश्चन को करते रहना है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।